दैट इज नायरेक्शन एंड सिम्बल ये तीन क्या होते हैं स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट होते हैं ओके okay, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल डी डी एस से याद रखिएगा डी फॉर डिस्टेंस डी फॉर डायरेक्शन एंड सिंबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वॉट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स फोर कार्डिनल डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं uh, तो स्टूडेंट्स फोर डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ होता है साउथ होता है ईस्ट होता है वेस्ट होता है चलिए एक बार मैं बता देती हूं ये नॉर्थ ये साउथ ये वेस्ट एंड ये ईस्ट ओके स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ ए मैप तो स्टूडेंट्स द स्केल ऑफ ए मैप का मतलब होता है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ग्राउंड में और दूसरा डिस्टेंस क्या है मैप पे तो इसके आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन द टर्म द स्केल ऑफ द मैप मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप तो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप मान लीजिए कि दो सेंटीमीटर जो आपका काय में है दो सेंटीमीटर जो आपका पेपर में है वो कितने को वो फिफ्टी किलोमीटर को शो करेगा ग्राउंड में ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब स्टूडेंट्स मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब के कंपैरिजन में इसलिए अपन बोल सकते हैं मैप ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाले हैं ज़्यादा हेल्पफुल है ग्लोब यूजुअली बहुत छोटा सा रहता है तो अपन उसको अर्थ पूरे अर्थ को ऐसा अपन स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ के अंदर कॉन्टिनेंट हैं कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं तो अगर हर पार्ट जो है अर्थ का उसको स्टडी करना है या किसी कंट्री को कॉन्टिनेंट को तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा उसके लिए अपन को मैप की हेल्प लेना पड़ेगी क्योंकि मैप क्या होते हैं ज़्यादा यूजफुल होते हैं उनमें ज़्यादा डाटा दिया रहता है ओके okay, स्टूडेंट्स समझ में आया आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान तो स्टूडेंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है मैप और प्लान के बीच में तो पहला डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट पहला डिफरेंस होगा कि वे वी कैन स्टडी ए पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए मैप अपन अर्थ के किसी भी पार्ट को या पूरी अर्थ को स्टडी कर सकते हैं मैप की मदद से लेकिन प्लान क्या है स्टूडेंट्स प्लान एक डिटेल होती है मतलब एक तरीके की ड्राइंग होती है किसी स्मॉल एरिया की ओके स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या होगा मैप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन प्लान में बहुत ही छोटे छोटे सिंबल्स यूज करके अपन छोटी सी डिटेल किसी भी छोटी चीज़ के बारे में बताते हैं ओके थर्ड डिफरेंस होगा कि जो मैप होते हैं वो बहुत से इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताते हैं अर्थ के जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ माउंटेन प्लेट्यू प्लेन इन सारी चीज़ों के बारे में लेकिन स्टूडेंट प्लान का क्या होगा प्लान सिर्फ लेंथ बताएगा या ब्रेथ बताएगा किसी चीज का जैसे कि आपका घर है आपके घर आने के लिए जो स्केच होगा तो आप सिर्फ ये बताएंगे कि इतने किलोमीटर आप चलोगे रोड से तो मेरा घर है ये बाकी चीजें ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच मैप प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन कौन सा ऐसा मैप है जो डिटेल इंफॉर्मेशन देता है तो स्टूडेंट थेमेटिक मैप डिटेल इंफॉर्मेशन देता है क्यों देता है क्योंकि स्टूडेंट थेमेटिक मैप में आप क्या करते हैं थेमेटिक मैप में एक पार्टिकुलर चीज के बारे में आप बताते हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया सीज हो गई इन सारी चीज़ों के बारे में ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप तो स्टूडेंट जो सिम्बल्स होते हैं उनकी क्या मदद होती है मतलब वो कैसे हेल्प करते हैं अपनी मदद करते हैं मैप को रीड करने के लिए तो स्टूडेंट्स जो सिंबल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैप के क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एक छोटी सी स्पेस में एक लिमिटेड स्पेस में क्योंकि अपन सिंबल्स को बना के एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे मॉस्क्यू थी या यहाँ पे टेंपल था या यहाँ पे माउंटेन था या यहाँ पे लैंड था, था इसमें अपन को किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बस एक डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से अपन सब कुछ बता देते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स एक बार आंसर पढ़ लेते हैं सिंबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैप दे गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस विद द यूज़ ऑफ सिंबल्स, मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजली एंड आर सिंपल टू रीड इवन इफ वी डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड दे कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स ओके स्टूडेंट समझ में आए आपको चलिए आगे आते हैं टेक द करेक्ट आंसर मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट आर तो स्टूडेंट इस इसका सही आंसर होगा थेमेटिक मैप क्योंकि आपको मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एक छोटी सी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया ओशियन हो गया सीज हो गई तो वो थैमेटिक मैप होता है सेकेंड पे आते हैं कि द ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग तो स्टूडेंट्स ब्लू कलर को यूज़ करते हैं अपन वाटर बॉडीज़ को शो करने में आपको पता है ऐसा रिवर बनाया जाता है कन्वेक्शनल साइन में भी तो स्टूडेंट्स क्या ब्लू कलर शो करता है वाटर बॉडीज को थर्ड पे आते हैं ए कंपास इज यूज अब स्टूडेंट्स कंपास को क्यों यूज करते हैं अपन कंपास को यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्योंकि जब एंशंट टाइम में इतना एडवांस चीज़ें नहीं थी अभी भी कंपास यूज किया जाता है क्योंकि कंपास में स्टूडेंट क्या रहता है नॉर्थ डायरेक्शन रहता है और नॉर्थ डायरेक्शन में नीडल फिक्स रहती है तो वो एक क्या करेगा उस नॉर्थ डायरेक्शन पे ही आके वो रुक जाता है तो उससे अपन को क्या पता चल जाता है जब अपन को नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगा तो बाकी के डायरेक्शन तो बहुत आसानी से अपन ढूंढ ही लेंगे ओके स्टूडेंट कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल की मदद से लास्ट आंसर जो लास्ट क्वेश्चन है स्केल इज नेसेसरी स्केल क्यों जरूरी है क्योंकि स्केल मैप के लिए जरूरी होती है मैप बिना स्केल के पॉसिबल नहीं है जब तक अपन ये नहीं बता पाएंगे कि टू सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपन बता ही नहीं कर पाएंगे शो ही नहीं कर पाएंगे ओके स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ओके okay, स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं एंड होती है अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर